नहीं थोड़ा सा ये वाला है ना, इसके साथ पैंट है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का ब्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से ये वाला ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी हम वाटर पार्क से बाहर को निकल रहे थे, यहाँ से अभी जाने वाले हैं क्योंकि 4-5 घंटे हम यहाँ पे थे और काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। अब बिल्कुल भी यहाँ पर हमारा रहने का मन नहीं था। और पता है मैं बोली थी ना कि मेरी तबीयत ख़राब हो ही जाएगी, हो गई थी यहीं पर, मुझे फीवर वीवर सा मुझे फील होने लगा था और थकावट, तो वो तो अलग बात है। तो बस यहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं। और कल वाले वीडियोज़ पर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे और उसके पहले वाले वीडियोस पे भी कि दी आपने बताया नहीं आप मऊ आए थे हम मिलते आपसे, तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि आप लोग मऊ से मुझे देखते हो। और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तब मैं ज़रूर बताऊँगी। तो वहाँ से हम डायरेक्ट हम चले आए थे यहाँ पे अपनी ननद के घर। और यहाँ हम आने के बाद एकदम, मतलब मैंने इनसे बोला था ना कि पहले घर चलते हैं और घर से शाम के टाइम आएंगे थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके, बट ये बोले कि नहीं पहले चलते हैं शाम को फिर घर जाके रेस्ट करना। तो यहाँ पे हैं दी जो आ रही हैं, ये मेरी ननद हैं एंड ये स्वीट्स और पानी हम सब के लिए बस सर्व करने में अभी लग गई थी। स्पर्श बैठा है अपनी दादी के पास, उसको स्वीट्स मिल गया था, बहुत टाइम बाद मिला तो एकदम खुश होकर वो खाने में लग गया था। और वर्तिका देखिए वो अभी खेलने में लगी है क्योंकि उसकी यहाँ पे पहचान है, वो यहीं रहती है तो हमेशा आती जाती रहती है, तो वो बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे ना डर नहीं रही थी, बस इधर उधर वो मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे देखिए ये देवर बैठे हुए हैं, इधर साइड में ये बैठे हुए हैं, बस अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अभी ले रहे थे। नहीं पी रही है, नहीं नहीं थोड़ा सा। उसके बाद मैं थोड़ा सा ही रिकॉर्ड की और उसके बाद दी अपना ऊपर वाला जो घर है ना वो हमें दिखाने के लिए लेके गई थी, तो वो हम लोगों ने देख लिया है। और बस यहाँ से मैंने ना थोड़ा सा स्टार्ट किया शूट करना और अभी हम लोग हॉल में नीचे आ चुके हैं। और पता है कहीं अलग जगह पे जाओ ना थोड़ा सा मुझे वो एजिटेशन हो रहा था, बट दी ने बोला कि कोई नहीं आप तुम वीडियो बना लो। तो यहाँ पर ना हम लोग अभी रूम में आ गए थे और यहाँ पर मैं कुछ दी की ना कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर ये सारा दी ने बनाया है, ये सारे हॉस्पिटल में जाते हैं और न्यू बॉर्न बेबी के हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस टाइम पे क्यूट से जो कपड़े पहने होते हैं ना वहीं सारे हैं, तो दी की स्टिचिंग ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें वहीं बनाई हैं। और दी का बुटीक भी है यहीं पे घर में ही, तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और शर्ट होता है ना शर्ट एंड साथ में जो ये रहता है यहाँ का, ये प्रिंट भी लगवाना पड़ता है हॉस्पिटल का, शुभम क्लिनिक। मम्मी खिला रही है, छोटा वाला कितना सुंदर सुंदर लगता है ना ये। और एक पैंट वाला था ना वो वाला दिखाना, एक ये रेड कलर में है साथ में इसका ब्लू का मैचिंग, ये वाला है ना इसके साथ पैंट है, ये ऊपर शर्ट है और साथ में कैप, अच्छा ये ब्लू वाले, हाँ ये ब्लू वाले के साथ का है, ये वाला रेड वाला दूसरा है और एक ये व्हाइट वाला अलग है ना, जिसे कपड़े के हिसाब से लगता है कम रहता है तो। अच्छा इसके साथ बच्चों का टॉवेल है। अच्छा ये उड़ाने के लिए है, हाँ ये उड़ाने मतलब हॉस्पिटल का नाम, हाँ बैक साइड में डॉक्टर स्वाति गुप्ता, बहुत सारे बना के रखी हुई है अभी, हाँ मेहनत मेहनत भी है इसमें ऐसा, हाँ। और पैकिंग देखिए, पैकिंग ना इस तरीके से सारे रहते हैं, जितने भी ये रहते हैं ना सबकी पैकिंग अलग अलग है ऐसे, फिर ये जाता है हॉस्पिटल में। हाँ हाँ ये वाला, अच्छा इसका ये ऐसे मतलब प्रिंट रहते हैं।
तो अभी हम लोग आ गए हैं जहाँ पे दी सिलाई का काम करती हैं, और इस टाइम पे इनका मतलब एक दो लोग और रहते हैं जो सिलाई करते हैं, और ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर सुंदर बनाती है। मैं खुद सोच रही थी अगर मैं यहाँ पे रहती ना, मतलब अपने ससुराल में भी रहती, तो मैं दी से स्टिच करवाती, क्योंकि मैं जहाँ पर स्टिच करवाती हूँ ऐसे ब्लाउज़ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से डिज़ाइन थे, जो भी मैं ना थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड कर पाई। ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा मैं थकी हुई थी, अगर मैं फ्री होकर आई होती ना तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती मैं। तो ये सारे जो ब्लाउज़ है ना, ऐसे मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पे ब्लाउज की स्टिचिंग चार्जेस 700-800 है। मैं खुद स्टिच जो करवाती हूँ उसके इतने चार्जेस मैं देती हूँ, बट चलो कोई नहीं, जब मैं यहाँ पे आऊँगी ना तो सोची कि मैं कभी ना जरूर स्टिच करवाऊँगी, क्योंकि डिज़ाइन और मतलब बहुत सुंदर मुझे लग रहा था। और ये जो येलो वाला देख रही थी, ये सिल्क का साड़ी का कुछ ये ब्लाउज़ था। तो बस यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो चुका था ना, तो इनका स्टिचिंग का जो काम है वो भी अभी दी ने ख़त्म कर दिया था, और हम लोग आए थे तो वो अभी इसको छोड़ भी दी थी, मतलब हमारे साथ ही बैठ के भी बातें करने में लगी हुई थी। तो यही हम लोग यहाँ पे देख रहे थे दी का काम, मतलब सारी मशीन थी पीको वाला, मतलब अलग अलग टाइप के मशीन थे, और जैसे अच्छा मेरा काम ही ऐसा है ना कि हाँ। ये सब फैला रहा है, ये तो फैला ही रहेगा, ये इतना कदरन उतरन रहता ना, ये कभी साफ ही नहीं होता, ये तो एक काटिएगा तो इतना गिरेगा, ये सब उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। और इतनी जल्दी जल्दी में दी सब कुछ दिखा रही थी कि पूछो नहीं, बस हमें ना जाना भी था क्योंकि हम निकले हुए थे दोपहर का, और ये जो साड़ी थी उसी का ब्लाउज़ मैं देख रही थी। उसके बाद दी के घर के साइड में गार्डन है, तो वहाँ पे जा रही थी, क्योंकि ऊपर हम गए थे देखने के लिए, वहाँ का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करी थी, रिकॉर्ड अभी मैंने करना स्टार्ट किया है। और मीनाक्षी हमारे साथ हैं, तो साइड में जो गार्डन है ना वो मैं दिखाने चलती हूँ, बहुत ही सुंदर सा था। और यहाँ पर मम्मी हैं और मीना भी जा रही थी, मैं भी, मीना तो हमेशा आती रहती है बट मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और मम्मी भी फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई हैं, तो इसीलिए हम सोचे कि चलो घूम लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा गार्डन है, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जितना भी था ना आजकल के टाइम में इतना बड़ा भी होना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत ही मतलब जितने भी यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए थे, किस कोई भी फ्लावर वाला नहीं था, सारे सो प्लांट थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। मैं अगर यहाँ रुकती तो ज़रूर फ़ोटोज़ क्लिक करवाती और वीडियोस शूट करती यहाँ के, बट रुकना ही नहीं था, बस हम थोड़ी देर के लिए आए थे, घंटे भर के लिए, घंटे करते करते डेढ़ घंटे हमारे यहाँ पर तो लग ही गए थे। तो बस यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की हूँ मैं, और यहाँ आने के बाद ना बस मैं एक इंसान को मिस की, दी की जो बेटी है वो यहाँ पे थी नहीं, एक्चुअली वो ना देवरिया चली गई है अपनी माजी के पास, तो वो यहाँ पे थी नहीं, मुझे भी मालूम नहीं था, जब मैं यहाँ पे आई उसके बाद मुझे मालूम चला। तो कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। एंड यहाँ पर फिर से अभी हम लोग घर में आ चुके हैं, और मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं और हम सब यहाँ पर बैठे हुए थे। और स्पॉश का क्या था ना, स्पॉश को हमने बाहर इनके साथ था, वो फिर ना बाहर रोड पर घूमने चला गया, क्योंकि वो भी थक गया था और वो घर जाने के लिए परेशान कर रहा था। तो उसके बाद ना अभी शादी हुई थी दी के घर में, तो नई दुल्हन भी आई हुई है, तो उनसे भी ना भी मैं मिलवाती हूँ आप लोगों से। नाम क्या है? मुँ, डर लग रहा है। हाँ ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? तो यहाँ पे अभी हम लोग रूम में आ गए हैं, और ये जो नई दुल्हन है ये दी की देवरानी है, तो हम लोग इनसे भी मिलने के लिए चले आए थे, क्योंकि यहाँ पे जब हम आए हैं तो फिर मिल लेते, तो यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं और फिर हम खातेदारी होने लगी। और यहाँ देखिए एकदम मतलब मीनाक्षी तो एकदम खुशी मतलब एकदम खुश थी वो यहाँ पर आके, क्योंकि और ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं करी थी, थोड़ा सा ही रिकॉर्ड, क्योंकि अजीब मुझे थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि पता नहीं सामने वाले लोग क्या सोचेंगे, इसी वजह से मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी हम लोग जाने लगे हैं, तो यहाँ पे खोइंशा दिया जाता है हमारे साइड में, और हम लोग वैसे पहली बार आए थे तो फिर वो दे रही थी हमें खोइंशा। बस हम लोग अभी यहाँ से जाने वाले हैं, तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये हमारा मऊ का ट्रिप है, तो होप आप लोग ये ब्लॉग इन्जॉय किए होंगे, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, लव।